तो अभी 640 मजे और मैं आ गई हूँ नानी के यहाँ खेल के और आपको पूरी चीज बताती हूँ मैं आज की है ना। तो आज की पूरी चीज बताती हूँ और आपको मैं एक चीज बताना भूल गई थी। हाँ मैंने आपको बता दी थी वो तो बात है ना। तो बताती हूँ अब तब मैं स्कूल से आई थी तो स्कूल से आके मैंने सिल्क खा ली और बिस्टिक नहीं रहे थे, मैंने बिस्टिक नहीं खाया। पापा आए और वो बिस्टिक लेके आए थे साथ में, तो फिर जाके मैंने दूध बिस्टिक खाया था। फिर दूध बिस्टिक खाने के बाद उसके बाद मैं गई थी क्या बोलते हैं उसके उसके बाद पापा आए थे तो फिर चीकू को ले जा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने टीवी देख ली है ना, और तो होमवर्क आता भी नहीं तो होमवर्क करती नहीं, उसकी जगह मैं दोनों बारी वो पढ़ाई ही करती हूँ टेस्ट की है ना। तो वहाँ जाकर उसके बाद तो मैंने थोड़ी थोड़ी टीवी देख ली और फिर पापा चीकू को छोड़ रहे थे पापा नानी के यहाँ। तो फिर मैं नानी के यहाँ गई और वहाँ मेरे बच्चों के साथ खेला और फिर मैं तब मैं बच्चों के साथ खेल रही थी तो बीच में वो आ गए बीच में, फिर पापा आके थे लेने के लिए तो मैं चली गई। और आपको बताती हूँ कितने बजे में गई थी नानी के यहाँ, 5:51 को, 5:51 को मैं गई थी। और मैं 3:59 में स्कूल से आ जाती हूँ है ना। तो मैंने तो पहले थोड़ा मैंने सोचा कि आधे के तंदर को बुलाती हूँ और मुझे मिक्स वो नेहा चंद मैम पसंद भी बहुत आती है और वो अच्छी भी बहुत है ना। तो मैंने उनको फिर मैंने सोचा कि नेहा चंद मैम भी मिल जाएगी है ना, ये रुपया मैं पहले खोल देती हूँ, नेहा चंद मैम भी मिल जाएगी और आधे के तंदर आके खेल भी लेगी उसके साथ मैं उन्हें। तो मगर फिर वो मैम नहीं थी, वो कहीं गए थे वो, तो फिर नहीं थे तो हमने खेलना स्टार्ट कर दिया अपना। और उनका घर भी अच्छा है ठीक है, तो चल 3 मंजिल का घर है उनका, हमारा तो बस 9 मंजिल का ही 2 मंजिल का ही घर है। तो खेला पापा इतने में आ गए थे। तो आपको टाइम बता दे कितने बजे आए थे, तो चलो अभी मैं नानी के यहाँ से आ गई हूँ। तो इतना सब कुछ बताया था और मैं नानी के यहाँ चाहूँगी हूँ। तो ईवीएस और इंग्लिश की तैयारी होने वाला है, मैं वहाँ से पढ़ के भी गई थी तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ ईवीएस और इंग्लिश। और मेरे जो मैथ्स का इनकम्प्लीट रह गया था वो इनकम्प्लीट भी मैं कर लेती हूँ, पहले इनकम्प्लीट मेरे जीवन से करा नहीं था तो मैंने करा था परसों मतलब एग्ज़ाम के पहले मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही, तो उसमें सारा कर लिया था, मुझे एक मिला नहीं था तो वो मैं कर नहीं पाई, तो वो अभी मैं करने वाली हूँ है ना। तो यही आपको बताना था, तो चलो मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियोस में। वो करने के बाद मेरा इनकम भी खुद ही कर लूँगी, सिंपल वाला है वो थोड़ा सा, तो वो करने के बाद मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर लूँगी। मैंने कल रात को भी यही तैयारी करी थी। और आपको एक बार बताती हूँ फनी चीज़, मैं लेती हूँ मोबाइल देख रही थी है ना, और मोबाइल नीचे वाटर चीकू आया और उसको लगा घोड़ा घोड़ा खेल रही दीदी, तो फिर वो मेरे सिर के ऊपर चढ़ गया, यहाँ पर चढ़ गया और फिर कुड़ी आ रहा मेरे को सी डट करने लग गया और नीचे मोबाइल पर आ रहा, मोबाइल पर मेरे कान में नाक में भी लगने लग गई थी उससे, ऐसा हुआ। ये बहुत फनी बात है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरा तो उसमें 2 मिनट तक सी दर्द करा, 2 मिनट तक, और मैं दूध नहीं पीती ना तब भी मेरा सी दर्द कर, तब मैं सोई थी ना तब मेरा सी दर्द करा था, इसलिए मैंने आज सुबह दूध पिया था। तो चलो ये बताना, भी मिलते हैं मित्र से वीडियोस में, और आज है 11 नवंबर, तब तक ले बाय।
अबे चुप हो गया बच्चा। तो अभी 7:33 बज रहे हैं और मैं अभी 7:33 बज रहे हैं, तो चलो आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। पहले कल रात की बात है ना, तो बताती हूँ पहले कल रात की बात के मैं फिर ईवेस की तैयारी करने लगी, लर्न करने लगी। आपको जैसा मैंने बताया था ईवेस का नानी के यहाँ से आने के बाद है ना, और आपको बता दो कि ईवेस इंग्लिश का साथ में ऐसा नहीं है, ईवेस का है बस आज, इंग्लिश का कल है। और आज मैंने एग्ज़ाम बोर्ड याद से रखा है, मैं बाकी दो दिन तो भूल जाती थी अपना एग्ज़ाम बोर्ड रखना है ना, तो अभी रखा है मैंने याद से। तीन दिन भूल गई थी, एक तो संडे भी था ना, तो उस समय भी भूल गई थी। तो मैंने रखा था एग्ज़ाम बोर्ड भी, तो फिर उसके बाद मैंने लर्न कर लिया ईवेस का लर्न करने के बाद मैं मोबाइल देखने लगी थी, नहीं ईवेस के मैंने बुक भी लर्न करी, और फिर उसके बाद मोबाइल देखने बुक लर्न नहीं करी, बुक लर्न कर ली हाँ, उसी में मोबाइल देखने लग गई थी। फिर तब मोबाइल देखने थी मैंने 2 मिनट तक ही देखा, उसके बाद पापा आ गए और ने बोला कि जो तू ईवेस का लर्न कर ईवेस की बुक लग गई थी वो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, इन्होंने ऐसा बोला। और मैंने उनको बोला था कि ईवेस का जो मैंने लर्न करा था कल वो मैं से पूछ लो, जो जो मेरे को नहीं आ रहा था वो, तो वो पूछा मंगवा वो है कि अब ईवेस का लर्न कर, ईवेस की बुक लर्न कर। तो मगर मैंने तो मैंने बोला कि एक बार और लर्न कर लेती हूँ उसको, जो मेरे को आता है और जो नहीं आता है ना, बस रिविजन कर लेती हूँ अच्छे से, लर्न नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे करना ही पड़ता है ना अपन को, कभी ऐसे अच्छे से लर्न तो ना हो जाता है। मगर पापा को नहीं पता ऐसे ऐसे लर्न करते कि नहीं, तो मैं तो लर्न कर गया, मेरे को तो अपने मार्क्स लाना है, पापा ऐसे लर्न करा रहे तो मैं अपने हिसाब से लर्न करूँगी जैसे मैं लर्न करती हूँ है ना। तो फिर पापा ने मेरे से वो पूछ लिया सारा, उसके बाद मैं सो गई थी, और आपको विश्वास नहीं होगा, थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी उसके थोड़ी देर बाद, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं कितने मिनट में सोई थी, चलो बता देती हूँ। 8:12 में मम्मी सो गई थी, मेरे को नींद आ रही थी तो मैं तो सो गई है ना। और अब आज सुबह की बात बताती हूँ, तो मैं बहुत देर मैं तो सोई थी, और फिर बहुत देर की बात है, बहुत 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 देर की बात है कि है ना, फिर पापा ने बहुत देर की बात है, 1 घंटे बाद की बात है ये, 2 घंटे बाद की बात है ये, नहीं 1 घंटे, हाँ 1 घंटे बाद की बात है या फिर 2 घंटे बाद की बात है ना। तो क्योंकि मैं तो सोचती मेरे को पता नहीं कितने घंटे हो रहे थे है ना, तो फिर पापा अपना मोबाइल ले रहे थे, मोबाइल से मेरे को यार सीट पे लग गई, तो मैंने बोला मैं फिर उससे मैं उठ गई है ना, तो मैं टाइम देखा और टाइम में 7:24 बज रहे थे, तो फिर पापा तो मोबाइल ले गए थे, मैंने बोला चलो जल्दी फिर चलते हैं, वो चल नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला फिर वो गए, फिर हम आ गए हैं, फिर अभी हम आके आए हैं
है ना। तो यही आपको बताना था। और मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी उस टाइम, ऊपर से मैं सोई भी नहीं थी अच्छे से। फिर पूरी रात ना सोई भी नहीं थी। फिर मेरे को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, और उसके बहुत देर बाद पापा ने मुझे उठा दिया। मेरे को नींद ही नहीं आई थी पूरी रात। मेरे पापा ने फिर मेरे को उठा दिया, तो मेरे को अभी अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हुई है। पहले मैं जल्दी से सोई थी, और मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि तो पूरी रात मैं जिक रोया नहीं था, फिर मैं पूरी रात सोई नहीं पाई थी। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। फिर मेरे को नींद आई, तो उसके बहुत देर बाद पापा ने मुझे उठा दिया, तो मेरी नींद अच्छे से पूरी भी नहीं हुई है। तो यही आपको बताना था। और जैसे होता है 12 दिसंबर, मिलते हैं मेरे वीडियोस में। बाय, सी यू इन न्यू वीडियोस।